दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी अपनी महारानी को बोलो कि अभी आकर मेरे से माफी मांगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देखिए ना, मैंने इनसे पानी मांगा तो मेरे गले सुबकर शैतान। नंदा जोर से सीखी और जेठानी के भाई के गाल पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारकर अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर तो जेठानी ने आसमान सिर पर उठा लिया। सुशांत के आते ही फट पड़ी। देवर जी अपनी महारानी को बोलो कि अभी आकर मेरे भाई से माफी मांगे। जी भाभी, हमेशा की तरह शांत स्वर में सुशांत बोला और कमरे में आकर नंदा से कहने लगा, नंदा बात बढ़ाने से क्या फायदा, तो माफी किस बात की माफी सुशांत। नंदा सिंह पड़ी। 2 वर्ष पहले नंदा सुशांत के साथ विवाह करके इस घर में आई थी। सुशांत अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। शहर में उसके पिता की स्टील फैक्ट्री थी। उनके देहांत के बाद सुशांत के बड़े भाई निशांत फैक्ट्री संभालने लगे थे। उसके मंझले भाई बैंक कर्मी थे। वे अपने परिवार के साथ पोस्टिंग वाले शहर में सैंडल थे। 1-2 महीने में अपनी माँ से मिलने आ जाया करते थे। सुशांत के बड़े भाई ने ही उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। नंदा सुशांत के कॉलेज में ही पढ़ती थी। कॉलेज के एक प्रोग्राम में नंदा ने एक आत्मनिर्भर महिला का रोल प्ले किया था, जिसे देखकर सुशांत उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दिन सुशांत ने नंदा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सुशांत की दोनों भाभियां अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। उसकी बड़ी भाभी अपनी छोटी बहन रिया के साथ उसका विवाह कराना चाहती थी। उसकी माँ भी यही चाहती थी। अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसने बड़े भाई के साथ फैक्ट्री का काम सीखा और तब बड़े भाई ने उसे एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया। उसे मन लगाकर काम करते देख उसकी माता जी ने अपनी बड़ी बहू से सुशांत के विवाह की बात छेड़ दी। बड़ी बहू तो तैयारी बैठी थी, बोली, माँ जी मैं कल ही रिया से बात करती हूँ। परंतु जब सुशांत ने अपनी बड़ी भाभी के प्रपोजल को ठुकराकर एक साधारण परिवार की लड़की नंदा से विवाह करने की बात कही तो सबने एक सवर में उसे असभी करती दे दी। सुशांत ने हट पकड़ ली तो माँ को उसकी बात माननी पड़ी और एक शुभ मुहूर्त में नंदा के साथ उसका विवाह हो गया। अपने अरमानों पर पानी फिरते देख बड़ी भाभी तो तिल मिला गई। वो गाये बगाये नंदा के काम में गलतियां निकालने लगी। पहली बार जब नंदा का भाई उससे मिलने आया तो वह अपनी बहन के साथ साथ उसकी सास और जेठानियों के लिए भी साड़ियां लाया था। तब बड़ी जेठानी ने उसका बहुत मजाक बनाया था। मंजली जेठानी भी बोली, मेरी काम वाली भी ऐसी साड़ी न पहने। सुनकर उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर सोचा कि मैं अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीत लूंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बोलने और पहनावे के तरीके पर तो बड़ी जेठानी अक्सर ही उसे ताने देती। उसने सुशांत से कहा कि माँ जी तो शुभ रहती हैं, पर तुम तो अपनी भाभी को बोलो, साल भर से वह मुझे बेवजह अपमानित करती आ रही है।
मुझे दुख होता है, जवाब में सुशांत आश्वासन देता, सब ठीक हो जाएगा नंदा, भाई भाभी ने बहुत किया है मेरे लिए, उनके सामने मुंह खोलना तो। और फिर नंदा अपने आंसू पीकर रह जाती। एक दिन नंदा ने सुशांत से कहा कि अब हमें भी अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तब सुशांत उसका मुख अपने हाथ में लेकर बोला, जरूर लेकिन इस माहौल में नहीं डियर, कुछ समय के बाद हम लोग अलग घर लेकर रहेंगे, तब हमारे बच्चे की परवरिश भी अच्छी होगी। वह खुश हो गई। इस बात को से महीने से ऊपर हो गए, लेकिन सुशांत ने घर या बच्चे की सरसर नहीं की। अब तो जेठानी उसे बोझ शब्द के तीर भी सुबोने लगी, कभी कभी तो उसकी सास भी कह देती। सुधा भाभी ने तो सुशांत के बाद अपने घर में बहु उतारी थी, और देखो कैसे पोते को गोद में लेकर कैसे इतराती फिरती हैं। नंदा के लिए ये पीड़ा भी कम असहनीय नहीं थी। कभी कभी उसका मन विर्दो कर उठता कि जब मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों बर्दाश्त करूं। लेकिन फिर वह अपने मन को समझाती, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। एक दिन नंदा किशन में साई बना रही थी, तभी पीछे से जेठानी के भाई ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह हड़बड़ा गई तो सॉरी कहकर वहां से निकल गया। उसने ये बात सुशांत को बताई तो वह बोला, अरे यार इन छोटी छोटी बातों को तुल देकर घर में अशांति मत फैलाओ। नंदा सूब रह गई और जेठानी के भाई के हौसले बुलंद हो गए। आज तो उसने नंदा को पकड़कर अपने सीने से लगाना सहा। बहन को अचानक देखकर उसने तुरंत पैतरा बदल दिया और नंदा को ही चरित्रहीन ठहरा दिया। नंदा के सबर का बांध अब टूट गया था। वह बोली, मिस्टर सुशांत 2 साल से तुम्हारी भाभी मुझे बेवजह अवमानित करती आ रही है और मैं सुबह साफ सहती आ रही हूँ। बच्चे अभी तुम नहीं साते थे और बोझ का बाण मुझे सहना पड़ रहा था। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि भाभी का भाई कई दिनों से मेरे साथ बदमेजी कर रहा है, फिर भी तुमने एक शब्द नहीं कहा। आज तो फिर भी तुम मुझे ही माफी मांगने को कह रहे हो, लेकिन बस अब और नहीं। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों बर्दाश्त करूँ। वह एकाएक उठ खड़ी हुई और बैग में अपने कपड़े रख कर कमरे से बाहर निकलने लगी तो सुशांत ने उसका हाथ पकड़कर रोकना सहा। सुशांत का हाथ झटकते हुए नंदा बोली, तुम्हें अपना सामान प्यारा न होगा, लेकिन मुझे है जिस दिन तुम अपने लिए बोलना सीख जाओगे और मेरे सामान की रक्षा करने लायक बन जाओगे तब मुझे लेने आना। कहते हुए वह तेज कदमों से बाहर